हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पवन सर में। और गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ शुड का यूज़, जो एज ए मॉडल भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा इंग्लिश स्पोकन में भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। लाइक जैसे कि देखिए, यूज़ हम लोग कर सकेंगे इसका शुड बी, शुड हैव, शुड हैव बीन, और मॉडल्स वर्क में भी इसका यूज़ होता है। तो इसके जितने भी प्रयोग हैं वो सारे मैं आप लोगों को आज इसमें सिखाऊंगा विद एग्जांपल। बस बने रहिए मेरे साथ। और एक दिल से प्यार वाली रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो सो लेट्स स्टार्ट, आइए आप लोग देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, शुड का यूज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, शुड का जो यूज़ है गाइज, उसका हिंदी अर्थ होता है चाहिए। क्या हिंदी अर्थ होता है इसका? चाहिए। और इसका यूज़ ज़्यादातर होता है एडवाइस, यानी किसी को सलाह देने के लिए। किसके लिए? सलाह देने के लिए। जैसे कि इसके एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, तुम्हें जाना चाहिए, तो आप लोग बोलोगे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले। उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, ही शुड प्ले क्रिकेट। तुम्हें हंसना चाहिए, You should laugh। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इनका बना सकते हो सेंटेंस। इसके अलावा जैसे मान लो इनके नेगेटिव आप लोगों को बनाना है, तो आप लोग शुड के बाद नॉट लगा दोगे। बोले तो जैसे तुम्हें नहीं हंसना चाहिए, तो यू शुड नॉट लाफ। ठीक है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुड नॉट रीड। इस तरीके से आप लोग शुड का जो मैंने फर्स्ट यूज आप लोगों को सिखाया है, इस तरीके से बना सकते हो। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को इसका सेकंड यूज़ बताता हूँ, शुड हैव प्लस नाउन। यदि आप लोगों को क्या दे रखा हो, शुड हैव प्लस नाउन, या आप लोगों को इस तरीके से बनाना हो कि पास होना चाहिए किसी पर्सन के पास, किसी के पास में जब कोई चीज़ होती है उसके लिए आप लोग यूज़ करोगे शुड हैव प्लस नाउन होना चाहिए। ये फॉर्मूला है इसका, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए आप लोग, तुम्हारे पास एक पेन होना चाहिए, तो आप लोग क्या बनाओगे, यू शुड हैव अ पेन, यू शुड हैव अ पेन। तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, तुम्हारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, यू शुड हैव आधार कार्ड, यू शुड हैव आधार कार्ड। तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए, यू शुड हैव अ हाउस, यू शुड हैव अ हाउस, या होम भी बोल सकते हो, घर होना चाहिए। तो ये हो गए आप लोगों के शुड हैव का यूज़। नेगेटिव अगर आप लोगों को इसका बनाना है, जैसे कि तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, वैसे एग्जांपल ऐसा आएगा नहीं, बट आप लोगों के लिए सिखा दूँ, तुम्हारे पास आधार कार्ड नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट हैव आधार कार्ड। यानी नॉट कहाँ लगाना है आपको, शुड के और हैव के बीच में, यू शुड नॉट हैव आधार कार्ड, तो ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हम बनाते हैं इसके नेक्स्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए, चाहिए था, क्या हिंदी अर्थ होगा इसका? चाहिए था। तो देखिए, उसे पढ़ना चाहिए था, इससे पहले वाला जो आप लोगों ने बनाया था उसमें बनाया था शुड हैव प्लस नाउन, शुड हैव प्लस नाउन, यानी उसके पास कोई वस्तु होनी चाहिए थी, मोबाइल कुछ भी। और अब है आप लोगों के इसमें वर्ब आएगी, आप लोगों के नाउन की जगह क्या आ जाएगी इसमें, वर्ब। तो क्या बनेगा, उसे पढ़ना चाहिए था, ही शुड हैव रीड। तब से आप लोग नाउन बोल रहे थे, अब यहाँ पे हैव के बाद आपको बोलना पड़ेगा वर्ब। और वर्ब की भी कौन सी फॉर्म लगानी है आपको गाइस, थर्ड फॉर्म। उसे पढ़ना चाहिए था, ही शुड हैव रीड। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। कविता को दूध पीना चाहिए था, कविता शुड हैव ड्रंक मिल्क। ठीक है, ड्रंक क्या है, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो। नेगेटिव अगर बनाना है तो वही बात, ही शुड नॉट हैव रीड, उसे नहीं पढ़ना चाहिए था। तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए था, तो क्या बन जाएगा, यू शुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, यानी नॉट आपको शुड के और हैव के बीच में लगाना है। इनका हिंदी अर्थ ध्यान रखना, जैसे इसका भी मैंने बताया था ना, शुड हैव प्लस नाउन वाले में क्या रखना है आपको हिंदी अर्थ याद, पास होना चाहिए। और शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या रखना है, चाहिए था। अब गाइज आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ शुड बी प्लस नाउन, शुड बी वाले यूज़।
तो शुड बी प्लस नाउन अगर होती है तो उसमें आप लोगों को होगा बनना चाहिए, क्या होगा इन द अर्थ, बनना चाहिए, बट क्या होना चाहिए, शुड बी प्लस कोई ना कोई नाउन, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें एक अध्यापक बनना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर, यू शुड बी ए टीचर, उसे एक पुलिसमैन बनना चाहिए तो क्या बनेगा इसका, ही शुड बी अ पुलिसमैन, ही शुड बी अ पुलिसमैन। अब इसका नेगेटिव वाला देखते हैं, हनी सिंह को एक गायक नहीं बनना चाहिए, हनी सिंह को एक गायक नहीं बनना चाहिए तो क्या बनेगा, हनी सिंह शुड नॉट बी ए सिंगर, हनी सिंह शुड नॉट बी ए सिंगर। यानी आप लोगों ने देखा यहाँ पे नॉट कहाँ लगा हमारा, शुड के और बी के बीच में, शुड के और बी के बीच में, तो इस तरीके से आप लोगों ने बनाया। अब आप लोगों को शुड बी वाला ही सिखा रहा हूँ, बट अब यहाँ पे नाउन नहीं आएगा, शुड बी के बाद में आप लोगों का आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन अब हिंदी अर्थ चेंज हो जाएगा, हिंदी अर्थ क्या होगा, जाना चाहिए या जानी चाहिए, जाना चाहिए या जानी चाहिए। जैसे कि देखिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए तो क्या बनेगा, यू शुड बी टॉट इंग्लिश। गाइस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको यहाँ पे, थर्ड फॉर्म, यू शुड बी टॉट इंग्लिश, यू शुड बी टॉट इंग्लिश, उसे बुलाया जाना चाहिए, ही शुड बी कॉल्ड, ही शुड बी कॉल्ड, विपिन को नहीं पीटा जाना चाहिए। अब नेगेटिव देखिए इसका, विपिन को नहीं पीटा जाना चाहिए, विपिन शुड नॉट बी बीटन, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। तो ध्यान रखना, नेगेटिव अगर बनाना है तो शुड के और बी के बीच में नॉट लग जाएगा। शुड हैव वाले आप लोगों ने पढ़े थे नेगेटिव, उसमें भी नॉट कहाँ लगाया था, शुड नॉट हैव इस तरीके से, और बी वाला बनाया तो आपने शुड नॉट बी इस तरीके से बन जाएगा। अब एक लास्ट और बचा है अपना, वो भी देख लीजिए, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी क्या बनेगा, शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है गाइज, इसका हिंदी अर्थ होता है जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल उसे पीटा जाना चाहिए था, उसे पीटा जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन बीटन, ही शुड हैव बीन बीटन। यानी शुड हैव के बाद आपको क्या लगाना है गाइज, इसमें बी डबल ई एन बीन लगाना है, तो ही शुड हैव बीन बीटन। क्या क्या आएगा इसमें लास्ट में, हिंदी अर्थ क्या आएगा, जाना चाहिए था, उसे बुलाया नहीं जाना चाहिए था, उसे बुलाया नहीं जाना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव बीन कॉल्ड। नेगेटिव बना रहा हूँ अब मैं इसमें, तो इसमें नेगेटिव जब बनाते तो क्या, जाना चाहिए था, इसमें नेगेटिव जब बनाते तो नॉट कहाँ लगता है हमारा, एक ध्यान रख लीजिए आप लोग, शुड के और हैव के बीच में नॉट लगाना है, वी डबल एन तो आप लोग जोड़ दीजिए, तो ही शुड नॉट हैव बीन कॉल्ड, उसे बुलाया नहीं जाना चाहिए था। तो इस तरीके से आप लोग इनके नेगेटिव भी बना सकते हो, और जहाँ तक है अभी आप लोगों को इनके सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब इनका मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूँ आप लोगों को, फॉर्मूला और इनका हिंदी अर्थ, जिससे एक बार आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, चाहे आप लोग याद कर लेना जैसे भी आप लोगों को, बट इनका अपने डेली रूटीन में आप लोग यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो, अपने छोटे भैया बहनों को इनका यूज़ बता सकते हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।